शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा जिले के ग्राम चमाटी के पास सीताफल के बगीचे में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पर पंधाना से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जहां घटना स्थल पर बताया कि दो व्यक्तियों के साथ महिला के आने की जानकारी मिली। घटना के संबंध में महिला के परिजनों को घटना की जानकारी होने पर मोहन पिता बनवारी एवं जयपाल पिता अम्बालाल लोहार निवासी पंधाना पर संदेह व्यक्त किया गया, जिनकी रिपोर्ट पर शून्य पर घटना स्थल ही हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि मर्तिका पक्ष ने मोहन एवं जयपाल लोहार को गत मंगलवार 4 बेल 47,500 रुपये में बेचे थे, जिनके बाकी रुपये देने के बाद मर्तिका को मोटरसाइकिल पर बिठाकर चमाटी फाटा पर लेकर गए। वह तीनों ने मिलकर शराब पी। संदिग्ध मोहन एवं जयपाल निवासी पंधाना को पकड़कर पूछताछ करने पर कुछ देर तक गुमराह करने के बाद मोहन ने स्वीकार कर लिया कि मर्तिका को शराब के नशे में मोटरसाइकिल पर बिठाकर सीताफल के बगीचे में ले गए एवं जयपाल को निगरानी के पे खड़ा कर मर्तिका से बलात्कार करने का प्रयास किया। और प्रयास में असफल होने पर घटना की जानकारी बाद में महिला से अन्य किसी को ना बता सके गुस्से में कपड़ा गले में कसकर बांध देने से मौत हो गई। तभी रोड पर काम करने वाले मजदूरों के आ जाने से आरोपी मौके से भाग निकले। ये छेगांव माखन में 11 तारीख को चमाटी फाटे के पास एक सीताफल का बगीचा है, वहाँ एक महिला का गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी का आज हम लोगों ने यहाँ खुलासा किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस महिला का गला दबा के उसके हाथ पर बांध दिए थे और पेड़ से बांध के उसकी हत्या हुई थी। चूँकि है ना उसका महिला लोहार समाज की थी और वहाँ से काफ़ी दूर उसका घर था, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने में है ना बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमारे थाना प्रभारी है ना छेगांव माखन और उनकी टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया, आइडेंटिफाई हो गई थी। उसके बाद जब मालूम पड़ा कि वो कहाँ गई थी, इस संबंध में पूछताछ करने पर ये क्लियर हुआ कि वो उसने अपने बेल बेचे थे, उसी के पैसे लेन देन के लिए दो लड़के आए थे पंधाना से। फिर अल्टीमेट उनसे पूछताछ की, पूछताछ करने पे ये सब चीज़ सामने आई कि उस महिला ने जब पैसे का लेन देन हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये लोग तीनों पार्टी करने के हिसाब से कहीं गए थे, जहाँ तीनों ने मिलकर शराब पी थी। उसके बाद मोहन की जो भी नीयत खराब हुई तो वो उस महिला को लेकर सीताफल के बगीचे में गया था, जहाँ उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया, जो कि असफल होने पर उसने उस महिला की हत्या कर दी। जयपाल जो था वो उसी निगरानी में खड़ा था, तो वो भी इसमें घटना में संलिप्त है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।